नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ अजिंक्य, आप सभी का स्वागत करता हूँ एक और नए वॉक ऑन राउंड वीडियो में। एंड काफ़ी एक्साइटेड हूँ, आज मैं आपके लिए एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पूरी 10 से 15 महिंद्रा वीरो जो है लेके आया हूँ मैं। 0.5 एक बार कर लेता हूँ, ठीक है, 10 से 15 वीरो मैं आपके लिए लेके आया हूँ, ठीक है ना। तो पिछले 2-3 साल से हम इसको मिस्टर एक्स बुला रहे थे, इसके टेस्ट व्यूल्स के वीडियो हमने अपने हमारे चैनल पर बहुत बार जो है देखे होंगे। तो फाइनली वी हैव द महिंद्रा वीरो ओवर हियर, महिंद्रा का नया पिकअप सेगमेंट यानी कि स्मॉल कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट का एक नया बेताज बादशाह, 1.6 टन पेलोड कैपेसिटी वाला टॉप मॉडल वेरिएंट हमारे सामने जो है वो खड़ा है। एंड इसमें 1.5 टन पेलोड वेरिएंट भी जो है वो आता है। सो दिस, ये जो है ना, ये डीजल वेरिएंट है, ठीक है, डीजल इंजन वाला है। इसमें कंपनी ने पेट्रोल प्लस सीएनजी यानी कि बायोफ्यूल वेरिएंट भी जो है वो लॉन्च कर दिया है। तो एक शॉर्ट वॉक अराउंड में आपको इसका बताने वाला हूँ। तो मेन धंधे की बात कर लेते हैं। धंधे में पीछे का जो डाला है ना, इसकी चौड़ाई 6 फीट की है एंड लंबाई में आपको दो ऑप्शंस है, ठीक है, 9 फीट और 10 फीट, यानी कि शॉर्ट व्हील बेस और लॉन्ग व्हील बेस दो वेरिएंट्स आपको इसमें गाड़ी में देखने के लिए मिल जाएंगे। तो आप आपके लोडिंग और एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। फिलहाल गाड़ी में 1.5 टू 1.6 टन का अप्रॉक्सीमेट वेट जो है वो डाला गया है, बैरल्स है भरे हुए, ठीक है। पीछे से कुछ इस प्रकार से गाड़ी दिखते, इंटीरियर पे हम आएंगे, इंटीरियर काफ़ी इंपॉर्टेंट, कवर करने जैसा इंटीरियर, मैं वो भी दिखाऊंगा। तो ये जो है ना, कूलेंट का टैंक है यहाँ पर, आप कूलेंट गाड़ी का यहाँ से जो है फिल होगा, वहाँ पर जो इसका एयर इंटेक है। एंड ये रहे इसके व्हील्स, गाड़ी में आपको पट्टे कमाने वाला सस्पेंशन देखने के लिए मिल जाएगा। वेपन बिजनेस की बात कर ही रहे थे, ठीक है, तो आगे आपको अप्रॉक्सीमेटली 5 पट्टे कमानी एंड पीछे आपको अप्रॉक्सीमेटली 7 पट्टे कमानी जो है दिए गए। ये रहा इसका प्रोपेलर शाफ्ट एंड डिफरेंशियल, काफ़ी हैवी चेसिस है, ठीक है, गाड़ी स्ट्रांग है। सेफ्टी के मामले में कंपनी ने आगे पीछे नहीं देखा है, इसका जो केबिन है ना क्रैश टेस्टेड है एंड तगड़ा है। हमने एवी में इसका क्रैश टेस्ट भी जो है देखा था। सबसे मेन चीज़, गाड़ी में एयरबैग आती है, ठीक है, कंपनी ने इस गाड़ी में एयरबैग दी है जो एक काफ़ी बढ़िया सेफ्टी फीचर है। तो पहला कमर्शियल व्हीकल बनता है ये भारत का जिसमें आपको एयरबैग दिया गया है दोस्तों, बेस मॉडल से दिया गया है, ऐसा नहीं कि सिर्फ टॉप मॉडल में मिलेगा। बेस मॉडल जो 7,99,000 का इनका बेस मॉडल है वीरो का V2 वेरिएंट, तो उससे आपको एयरबैग जो मिलना शुरू हो जाता है, काफ़ी बढ़िया बात है। ओवरऑल गाड़ी के फ्रंट लुक की बात करें तो अभी एक्सटीरियर्स पे आ जाते हैं, कुछ ऐसा लुक है, आप देख सकते हैं क्लियर लेंस हेडलैम्प्स आपको इसमें आपको देखने के लिए मिल जाएंगे मेन बल्ब और पार्किंग बल्ब के साथ। यहाँ पर इंडिकेटर है, बोल्ड ग्रिल है काफ़ी, ठीक है। यहाँ पर आपको वीरो का ब्रांडिंग देखने के लिए मिल जाएगा जिसमें इन्होंने आर को जो है गोल्डन लेटर्स में हाईलाइट किया है। एंड यहाँ पर भी आपको वीरो का ब्रांडिंग जो है देखने के लिए मिल जाएगा। एडजस्टेबल मिरर्स है, ठीक है, कुछ ऐसी दिखती है गाड़ी आगे से। एंड यहाँ पर जो इसके वाइपर वॉशर्स, ठीक है, दो दो काफ़ी बढ़िया विंडशील्ड है। नीचे का बम्पर भी काफ़ी अच्छा, आप अगर आप देखेंगे सामने से इसका डिज़ाइन जो है एक्स शेप में ऐसा, तो ये डिज़ाइन काफ़ी बढ़िया लगता है, ठीक है ना। और ये बम्पर जो है ना, ये भी काफ़ी हैवी है दोस्तों। महिंद्रा का लोगो इसमें भी, अभी इन्होंने अभी नया डिज़ाइन जो है वो दिया है। अभी फ़िलहाल इसका ग्रे कलर अपने सामने खड़ा है, इसमें गोल्डन एंड वाइट कलर भी जो है वो आते हैं। यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर आपको इसका का डेफ टैंक है, डीजल एग्जॉस्ट फ्लूइड का टैंक है, ठीक है। तो ये रहे इसके टायर्स दोस्तों, ठीक है, जेके टायर के आपको इसमें टायर्स देखने के लिए जो है मिल जाएंगे, जो रेडियल टायर्स है स्टील रिम के साथ। आपको यहाँ पर भी एक हमारी वीरो गाड़ी खड़ी है तो देख सकते हैं यार, काफ़ी बढ़िया है, ठीक है। 15 इंच के टायर्स है, R15 195 R15, बैटरी का प्लेसमेंट यह है। तो क्या आप रेडी हो गाड़ी के अंदर जाने के लिए, मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ। तो मैं एक बार मेरा बैग यहाँ पर निकाल देता हूँ। गाड़ी का डोर हैंडल वर्टिकल है, यहाँ से आप इस डोर को एक्सेस कर सकते हैं। तो एक बार गाड़ी का इंटीरियर देखिए यार, मतलब एक चीज़ जो आपको यहाँ पर नहीं दिखेगी वो है इसका डोर विंडो का हैंडल। क्यों नहीं है, क्योंकि इस गाड़ी में जो है ना आपको पावर विंडो देखने के लिए मिल जाती है। तो कुछ इस प्रकार का इंटीरियर है। तो अभी मैं इग्निशन इसका चालू करके जो है ना आपको दिखा देता हूँ। तो एसी इसका ऑन था, एसी को लो कर लेते हैं। यहाँ पर रहा इसका गियर लीवर, 5-speed मैनुअल गियरबॉक्स गाड़ी में आता है, ड्राइवर प्लस 2 सीटिंग है। यहाँ पर इसका ग्लोव बॉक्स है, काफ़ी बड़ा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर ग्लोव बॉक्स है। एंड ये जो है ना प्लेन दिया है कंपनी ने, मान लो आपको यहाँ पर बैठ के टिफ़िन खाना है तो यहाँ पर आप टिफ़िन रख के टिफ़िन जो आसानी से वो खा सकते हैं। नीचे भी आपको एक लॉकेबल ग्लोव बॉक्स जो है देखने के लिए मिल जाएगा। मैं आपको एक बार चाबी से दिखा देता हूँ, ठीक है, चाबी डाल के दिखा देता हूँ। नीचे भी आपको एक लॉकेबल ग्लोव बॉक्स जो है देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। सो दिस इज़ द लॉकेबल ग्लोव बॉक्स ओवर हियर। चाबी को वापस लगा देते क्योंकि मेरे को आपको इसका टच स्क्रीन जो है वो दिखाना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको
टाइप सी चार्जिंग पोर्ट एंड यूएसबी पोर्ट दोनों मिलता है, तो आपके पास दोनों केबल्स हो, आप दोनों केबल से इसे एक्सेस कर सकते हैं मोबाइल वगैरह चार्ज करने से। इनफैक्ट एंड्रॉयड ऑटो भी आपका इसी के थ्रू एक्सेस होगा। यहाँ पर जो इसकी पावर विंडो स्विच आप देख सकते हैं, खिड़की नीचे चली गई, वहाँ पे सचिन भाई डांस कर रहे हैं, काफी एक्साइटेड है गाड़ी को देखकर। तो यहाँ पर पावर विंडो पे अपन उसका ऊपर कर देते, काफी बढ़िया लग रहा है कमर्शियल व्हीकल के सेगमेंट में पावर विंडो। एंड यहाँ पर आपको इंटीरियर LED लाइट दिया गया भाई, एंड यहाँ पर आपको इनसाइड जो है सन वाइजर्स, एंड ये रहा इस गाड़ी का एंटीना, IRVM है। पीछे का विंडो ओपनेबल है तो पीछे का सामान वगैरह आप इजीली एक्सेस कर सकते हो, देख सकते हो। ड्राइवर प्लस 2 सीटिंग कैपेसिटी है, एंड इसको पूरा फोल्ड करके आप बेड जो है वो बना सकते हैं। यहाँ पर एक बोतल पानी की आसानी से आ सकती है, एंड यहाँ पर भी आपको स्टोरेज स्पेस दी गई है। तो टच स्क्रीन, कमिंग टू द टच स्क्रीन, दिस इज द टच स्क्रीन आप देख सकते हैं, एंड बढ़िया है लेआउट, ठीक है, लैग वगैरह कुछ नहीं है एज सच, आप देख सकते हैं काफ़ी बढ़िया लेआउट है। हाँ थोड़ा ब्राइटनेस, ठीक है अभी धूप की वजह से मेरे को ऐसा लग रहा है, बट वेरी गुड, ठीक है। तो एक बार मैं आपको रेडियो इसका सुनाना चाहूँगा, 93.5 लगाते हैं अपन, ठीक है 93.5, पता नहीं सिग्नल नहीं ले रहा, हाँ बच गया। इसका साउंड क्वालिटी एक बार टेस्ट करते हैं, दरवाजा लगा लेते हैं। रेडियो सिटी वायरल ब्लॉकबस्टर प्रेजेंटेड बाय स्टूडियो रिफ्यूल। दोस्तों अगर आपने है वो आग कुछ, तो ऑडियो क्वालिटी ना काफी जबरदस्त है, ठीक है। मैं MID दिखाना भूल गया आपको, यहाँ पर आपको डेफ लेवल दिख रहा है, 91% का डेफ लेवल है। यहाँ पर इसका फ्यूल लेवल है, कोल्ड हॉट का टेम्परेचर मीटर, या छोटा सा सिंपल सा एलिगेंट आपको जो है यहाँ पर MID प्लस स्पीडोमीटर जो भी मिल जाएगा। 12 वोल्ट का सॉकेट यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा, पावर विंडो के स्विचेस, USB चार्जिंग पोर्ट विथ टाइप सी एंड USB, पार्किंग लाइट के स्विच यहाँ पर है, एक बार इंडिकेटर का आवाज़ भी सुनिए, ठीक है। टच स्क्रीन है, AC के कंट्रोल्स यहाँ पर, एक बार AC भी आपको ऑन करके दिखा देता हूँ, ठीक है। ठंडी ठंडी हवा, मज़ा आ रहा है, AC विथ हीटर है, ठीक है, HVAC है यहाँ पर। तो एक बार ना मैं आपको सीट जो इसके फोल्ड करके दिखाता हूँ दोस्तों। ड्राइवर प्लस 2 सीटिंग का कैपेसिटी आपको इस गाड़ी में देखने के लिए जो है मिल जाएगा। तो आइए सीट को यहाँ से आपको मैं फोल्ड करके बताता हूँ, एक बार उतर के ही करते हैं, ठीक है। तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि इसको आप ये जो है बेड में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। हेडरेस्ट को आपको निकाल के यहाँ पर रखना है, फिर आपको इस सीट को फोल्ड करना है, ठीक है। इस सीट को फोल्ड करने के बाद यहाँ पर पीछे आपको काफ़ी अच्छी खासी स्टोरेज स्पेस मिल जाएगी। अब अपन इस साइड पर आ जाते हैं गाड़ी के, एंड यहाँ पर आपको इस सीट को फोल्ड करना है, ठीक है, ठीक है, इस सीट को फोल्ड कर देना है। तो एक कम्प्लीटली फ्लैट आपको लोडिंग स्पेस या फिर स्लीपिंग स्पेस देखने के लिए मिल जाएगा। हाँ थोड़ा कुशन वगैरह रख के आप इस पे जो है आराम कर सकते हैं। पीछे स्टोरेज स्पेस है, गाड़ी के जो टायर पन्ना जैक वगैरह की चीज़ है वो यहाँ पर रखी गई है, एंड यहाँ पर ना आराम कर सकता है एक बंदा काफ़ी आसानी से। मान लो आपके पास थोड़ा फ्री टाइम है तो आप आसानी से आराम जो है वो कर सकते हैं। अब प्राइसिंग की गाड़ी की बात करें तो भाई इसका जो महिंद्रा ने प्राइसिंग बताया है बेस वेरिएंट का, V2 वेरिएंट का, डैट इज़ 7.99 लैक्स। जो मिड वेरिएंट है V4 उसका प्राइस है 8.99 लैक्स, एंड जो टॉप वेरिएंट है ये इसका प्राइस है 9.56 लाख रुपीज़। ये एक शोरूम प्राइजेस है दोस्तों, अधिक जानकारी जानने के लिए आप महिंद्रा के ऑफिशियल ऑथोराइज शोरूम या फिर एजेंसी में विजिट जो है वो कर सकते हैं। अब माइलेज की बात करें ना तो डीजल वेरिएंट का माइलेज कंपनी ने बताया है 18.4 किलोमीटर पर लीटर का, एंड CNG वेरिएंट अगर आप लेते हो तो CNG का रेंज हमेशा निकलता है, तो फुल टैंक CNG में कंपनी ने इसका 500 किलोमीटर प्लस रेंज जो बताया है। फिलहाल अपने पास डीजल वेरिएंट जो है वो खड़ा है, काफ़ी तगड़ी मेरे को ये गाड़ी लगी है दोस्तों। एंड सबसे स्टैंड अलोन फीचर, मेरे को स्टैंड आउट फीचर जो ये लगे कि फ्लैट फोल्डिंग सीट्स, आराम करने की जगह है, काफ़ी स्पेशियस कैबिन है, गाड़ी चलाने में काफ़ी बढ़िया है। मैंने ट्रैक पर अभी थोड़ी देर पहले गाड़ी जो है वो चलाई, एंड ऑल्सो टच स्क्रीन म्यूजिक सिस्टम, पावर विंडोज, एंड सबसे मेन चीज़ एयरबैग। भाई हमारे ड्राइवर बंधु सेफली कहीं पर पहुँचे, सेफली उनकी सेफ्टी को प्रायोरिटी देते हुए महिंद्रा ने पहली बार पिकअप सेगमेंट में, मैं प्राउडली ये चीज़ कह रहा हूँ, मेरे को इस चीज़ के कोई पैसे नहीं दे रहा भाई, क्लियरली महिंद्रा पहली ऐसी ब्रांड भारत की बन चुकी है जो पिकअप्स के सेगमेंट में, कमर्शियल व्हीकल्स के सेगमेंट में एयरबैग दे रही है। थम्स अप फॉर महिंद्रा, सैल्यूट टू महिंद्रा, काफ़ी बढ़िया मेरे को ये चीज़ लगी है। तो आपको ये गाड़ी कैसी लगी महिंद्रा की वीरो पिकअप, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ऐसा ही कंटेंट देखने के लिए हमारे चैनल ट्रक टॉक्स को ज़रूर फॉलो।
कर लीजिएगा दोस्तों। बाय बाय।